जाली कंपनियां बनाकर लोगों को लूटने के मामले पर मुतासरा शख्स ने एफआईए से राब्ता कर लिया है। ऑनलाइन कारोबार करने वाली दो कंपनियों करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। करोड़ों रुपए डूबने पर शहरी की दरख्वास्त पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से असद शाह से। जी असद शाह, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये जाली कंपनी अपनाकर लोगों को लूटने का मामला है। मुतासरा शख्स ने एफआईआर दर्ज करवा दी है और एफआईए से भी राबता कर लिया। मैं आपको बताता चाहूँ कि लाहौर में ऑनलाइन कारोबार करने वाली दो कंपनियां करोड़ों रुपए लेकर लोगों के फरार हो गई है। रहीम यार खान के यासर हयात खट्टक और अहमद नदीम ने दो साल कबल एबर्ट रोड पर कंपनियां के दफातर कायम किए थे, जिसपे कैपिटल एफएक्स और बीट फायर के नाम से कंपनियां रजिस्टर करवाई गई थी। ये कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट फैन खान थे। तीन करंसियां सोने की ऑनलाइन ट्रेडिंग करती थी। गुज़श्ता हफ्ते कंपनी की वेबसाइट और दफातर बंद हो गए और मालकान गायब हो गए। करोड़ों रुपए डूबने पर इमरान असगर नामी शहरी ने थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त दी और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहरी का कहना है कि वो साइबर क्राइम से भी रुजू करेंगे और जो कंपनियां फ्रॉड करके गई हैं उनको इंसाफ दिया जाए, उनकी रकम।